क्या आप जानते हो मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल बहुत पुराने यानी हजारों साल पुराने समय से हमारे जो बुजुर्ग या जो पहले के लोग थे अपनी स्किन को निखारने के लिए किया करते थे अलग अलग रूपों से। तो पहले क्या करते थे, इसको लेके नॉर्मल अपने चेहरे को वॉश किया करते थे, क्योंकि पहले के समय में कोई साबुन नहीं हुआ करते थे। तो जस्ट ये सिंपल से इंग्रेडिएंट एंड उनकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ना तो कोई कॉस्मेटिक होते थे ना ही कोई क्रीम्स हुआ करती थी। फिर भी उनकी स्किन हमारी स्किन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती थी, क्योंकि वो अपनी स्किन में नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करते थे। तो दोस्तों मुल्तानी मिट्टी जैसे उनमें से एक है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लेंजर है, स्किन को नेचुरली तरीके से क्लीन करता है, पोर्स को साफ करके पोर्स को श्रिंक भी करता है, स्किन को टाइटन भी करता है, स्किन को निखारने भी मदद करता है, स्किन में पिंपल्स वगैरह होते हैं उनको भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ कि स्किन आपको फील होता है काफ़ी ज़्यादा लूज लगती है तो उसको भी टाइटन करने में मदद करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी युक्त फेस पैक, जिसको आप अपने स्किन केयर रूटीन में वीकली 2 बार कर सकते हो, जिसके करने मात्र से आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करता है। जी हाँ, अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज़्यादा डल है, स्किन कहीं ना कहीं काफ़ी डैमेज हो गई है मार्केट वाले कॉस्मेटिक को यूज़ करके, तो उन सारी प्रॉब्लम को ये खत्म करेगा। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों जैसे कि थंबनेल देख के आप जान गए होंगे, आज के इस वीडियो में हम मुल्तानी मिट्टी का एक फेस पैक जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है, अनगिनत फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, नेचुरल ये मिट्टी है, ये क्ले है। तो आपने सुना होगा मड थेरेपी भी होती है, यानी पूरे बॉडी में मड थेरेपी के तहत पूरी बॉडी में मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन भी करता है, हमारी स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है, हमारी स्किन को डिटॉक्स भी करता है, यानी जितनी भी गंदगी जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो मिट्टी खींच निकालती। तो वैसे ही बिल्कुल सेम उसी प्रकार से मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन की इम्प्यूरिटीज़ को खींच लेती है, हमारी स्किन को डिटॉक्स भी करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें फेस पैक इसका किस प्रकार बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेना है मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, ए आधा चम्मच बेसन, ए आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। दोस्तों ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे का छिलका आप घर पे भी बना सकते हो, इसके अलावा मार्केट से भी ला सकते हो। संतरे के छिलके में पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी हम सब जानते हैं हमारे स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है, स्किन के दाग धब्बों को रिड्यूस करके स्किन को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाता है। इसके साथ ही साथ आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट और ब्राइट भी करता है। तो उसके साथ ही साथ इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच शहद। शहद हमारी स्किन को नेचुरली तरीके से मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारी स्किन में रिंकल फाइनलाइंस का अपीयरेंस नहीं होता है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते तो हमारी स्किन को में कसाव तो लाता ही लाता, इसके साथ ही साथ हमारी स्किन में रिंकल फाइनलाइंस को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे स्किन से डेड सेल को निकालता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट और ब्राइट करता है, स्किन को क्लीन करने में मदद करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट भी करता है। तो उसके साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच के आसपास रोज़ वाटर मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप याद एक चुटकी हल्दी भी मिक्स कर सकते हो, अगर आपकी स्किन में पिम्पल्स वगैरह अक्सर हो जाते हैं तो आप यहाँ पे हल्दी भी मिक्स कीजिएगा, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने से ठीक करती है। उसके बाद इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें। आप इसको आपको यूज़ किस प्रकार करना है दोस्तों, इसको रात में हमें सोने के पहले सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद किसी क्लेंजर से अपने चेहरे का मेकअप धूल मिट्टी गंदगी उसको साफ़ कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेस्ट को लेके पूरे चेहरे में अप्लाई करना है। उसके बाद 20 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरे को नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश करें। उसके बाद चेहरे को मॉइस्चराइज जरूर करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ पे कच्चे दूध को अवॉइड कीजिएगा, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बेसन को ना यूज़ कीजिएगा, इन दोनों चीज़ों का यूज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको फॉलो ना करें, बाकी टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा ये फेस पैक है, बशर्ते अपनी स्किन का ध्यान रखना है, क्योंकि टीनेजर्स की स्किन में अक्सर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पे 1 चम्मच नीम पाउडर जरूर मिक्स करें, जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन में जो दाने वगैरह निकल आते हैं वो नहीं होंगे। तो
तो दोस्तों ये जो फेस पैक है काफ़ी अच्छे रिजल्ट है अगर आप इसको विश्वासपूर्वक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो वीक में 2 बार। अगर आप चाहो तो इस फेस पैक को बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। 1 दिन यूज़ करना है, 2 दिन स्किप करना है, फिर 4थे दिन यूज़ करना है। हफ्ते में आपको इसको 2 बार जरूर से जरूर यूज़ करना है। अगर टाइम नहीं तो 1 बार अच्छे रिजल्ट के लिए 1 बार जरूर यूज़ करें। 4 वीक बाद आप अपनी स्किन में रिजल्ट देख पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर।